अस्सलामुअलैकुम, हेलो टू माय व्यूवर्स। आज हम लोग बना रहे हैं दाल तड़का। दाल तड़का बनाने के लिए मैं यहाँ पे तूर दाल ली हूँ 1 कप जितनी। मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूंगी। तो मैंने दाल को यहाँ पे कुकर में डाला है वॉश करके। अब मैं इसमें डालूंगी 1 लीटर जितना वाटर। मैंने दाल में वाटर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जितनी हल्दी, टर्मरिक। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जितना सॉल्ट। अब हम कुकर को बंद करके 2 व्हिसल आने तक इसको ऐसे ही रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने व्हिसल लगा के इसको कुकर को गैस पे रखा है। अब मैं इसको 2 सीटी आने दूंगी, फिर हम इसको गैस को स्लो करके 5 मिनट के लिए ऐसे ही रखेंगे। फिर हम गैस को ऑफ कर देंगे 5 मिनट के बाद। जब कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम ओपन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पैन रखा है। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाला है। अब मैं 1 टेबलस्पून जितना बटर डाल रही हूँ इसमें, ठीक है। अगर आप बटर नहीं डालना चाहते तो घी भी डाल सकते हो। अब मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून जितना जीरा। हाफ टी एस पी हवेज पाउडर, कोरिएंडर पाउडर। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, क्यूमिन पाउडर। 1/2 टीस्पून हल्दी, टर्मरिक। अब हम इन सबको फिर सौते कर लेंगे, भून लेंगे। फिर मैं डालूंगी ऑनियन। ये हमारा 2 प्याज है, मैं इनको बारीक कट करके लिए। अब इनको भी हम अच्छे से इसमें फ्राई करेंगे। इसी के साथ मैं यहाँ पे डालूंगी 8 से 10 कलियां लहसुन की। मैंने लहसुन को अच्छे से बारीक कट करके लिया है। अब हम इसको अच्छे इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी जिंजर भी कट करके डाल देती हूँ। ये हमारी अदरक है। फिर हम इसको अच्छे से सौते करेंगे। अब हम डालेंगे 2 टोमेटो हमारे बारीक चॉप किए टोमेटो। उनको भी हम अच्छे से पका लेंगे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने दाल में भी सॉल्ट डाला है, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून जितना सॉल्ट डाल दिया। आप टेस्ट करके भी सॉल्ट डाल सकते हैं। अब हम टमाटर को अच्छे से गलने देंगे। अब हम डालेंगे रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून जितना रेड चिली पाउडर डाल देंगे। अगर आपको चिकन ज्यादा पसंद है तो आप और 1/2 टीस्पून जितनी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब हमारे मसाले अच्छे से गल चुके हैं। अब हम डालेंगे हमारी गली हुई दाल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा इसको एक बॉईल आने देंगे, फिर हम इस पे और एक तड़का लगाएंगे। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है, अब हम इसको साइड में रख देते हैं और एक दूसरा पैन तड़के के लिए। तो मैंने यहाँ पे पैन रखा है, इसमें मैंने एक टेबलस्पून जितना बटर डाला है। अब मैं यहाँ पे डालूंगी लहसुन, दो से तीन कलियां कुटी हुई। ये हमारा दाल का तड़का बन रहा है। आप चाहो तो ड्राई ब्रेड के लिए भी ले सकते हो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ी सी रेड चिली पाउडर। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब इस तड़के को हमारे दाल में डाल देंगे। गैस को ऑफ किया है, अब मैं इस तड़के को ऊपर से दाल में डाल दूंगी। तो यहाँ पे हमारी दाल बिल्कुल रेडी है, दाल तड़का। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इसमें पानी डाल सकते हो। दाल तड़का थिक ही रहती है इसलिए मैंने पानी नहीं डाला है। मैं यहाँ पे डालती हूँ कोरिएंडर लीव्स थोड़े से कोथमीर। तो यहाँ पे हमारी दाल तड़का रेडी है। तो यहाँ पे हमारी दाल तड़का बिल्कुल रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।